संतोषी मां। आज तो मैं ऐसा तमाशा करूंगी ना कि धैर्य और संतोषी की प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मंगला, क्रांति माता की, क्रांति माता की, क्रांति माता की, क्रांति माता की। हमें धरती लोक पर देवी संतोषी को चुनौती देने वाली मिल गई और अच्छी बात यह कि वो देवी संतोषी की भक्त की पुरानी शत्रु है। अब क्रांति माँ देवी संतोषी के जीवन में असंतोष विस्तृत करेगी। आज मैं संतोषी को वो सारे सबूत दूंगी जिससे उसके अपने पति के साथ सारे संबंध हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मैंने अपनी कृपा से इस घर को कहां से कहां पहुंचा दिया और तुम लोग मुझे ही भूल गए। मेरी कृपा हटते ही इस घर की बर्बादी शुरू हो गई। वमधु जीते जी मुर्दा बनी हुई है और प्रताप दर दर की ठोकरें खा रहा है और ये इसकी जिंदगी भी तबाह हो गई। और ये सब हुआ है इसके कारण हुआ है ये सब। ने मेरी कृपा रोकी और सबके सामने मेरा अपमान भी किया। अब तक तो मैंने कुछ नहीं किया लेकिन आपकी इस बहू ने मुझे क्रोध दिला दिया है। अब इस घर की बर्बादी शुरू। ब्रह्मदेव तो ध्यान में लीन है, उनके ध्यान के मध्य बाधा उत्पन्न करना उचित होगा क्या? देवी, हमें ब्रह्मदेव को ध्यान से जगाना होगा क्योंकि आवश्यक है। ये कार्य हम करते हैं। है सुख से जीवन जीना क्योंकि मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता। जीवन में सबसे जरूरी है धन, चाहे वो किसी भी तरह प्राप्त किया जाए। ये सत्य नहीं है। नहीं, यही सत्य है, यही सत्य है। आप हमें भ्रमित कर रही हैं। साध्वी माँ, आप यहाँ से चाहिए, हमें आपके प्रवचन नहीं सुनने। निकालो निकालो इन्हें यहाँ से। लिया है।
वैष्णवी अपने बैग यहाँ लाओ, चेक करवा। टीचर, मैंने कोई चोरी मोरी नहीं की। कुछ पूछ रहे हैं हम? हमने किसी को घर से बाहर नहीं निकाला, वो अपना ही मर्जी से। बस कीजिए। और कितना झूठ बोलेंगे आप? अब हमारा सामने तभी बोलिएगा जब इस घर के दोनों बहुओं को खुद इस घर में वापस लाने में कामयाब हो जाइएगा। मिस्टर जी, तुम बेटी लेकर आए? तुम चली गई थी और फिर सुबह वापस भी आ गई और काहे हम आपके कमरे में नहीं आ सकते का? अरे ये तो सच में वापस आ गए। फोन बज रहा है, फोन। क्या कर रहे हो तुम? अच्छा फोन निकालो ना प्लीज। फोन काम खुद से नहीं होता ना, जल्दी करो ना। अरे इधर है यार। अभी प्लीज जल्दी करो, फोन कट जाएगा। ऑफिस फोन जल्दी करो। हेलो रुको। सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा, सॉरी। बता कि थारी हंसी से कोई दुश्मनी है जो हंसने में पैसे लागे से? हंसेगी तो तब ना जब तेरे मुंह में दांत होवेंगे। इतनी भरी जवानी में थारे दांत गायब कैसे हो गए? हम पे मन लगता है कि बड़ों ने आपको इसलिए बोला कि आप उसका साथ ना दे क्योंकि वो चाहती से घर में सुख शांति बनी रहे। कोई उसका साथ देवे ना देवे पर उसको आपका साथ जरूर चाहिए। आप उसका साथ दोगे ना? ना, मैं उसका साथ नहीं दे सकता। ब्रजमंडल के बच्चों पर बहुत बड़ा संकट आ गया। नंद बाबा कंस के सैनिक हमारे घर में घुस के हमारे नवजात शिशु की हत्या कर रहे हैं। नंद बाबा, ब्रजमंडल के सभी नवजात शिशुओं की हत्या करने की क्या आवश्यकता? सभी तो आपके शत्रु हैं। नहीं, आपके शत्रु तो सगरे के सगरे लोग गोवर्धन पर्वत की शरण में जा रहे हैं। गोकुल के सारे बच्चे एक साथ मरेंगे। समझा था गोल्डन जुबली जिससे वो तो मैटी नहीं दिखा करके चुम्मा ले गया झल्ला। मेरा आशिक झल्ला बल्ला, मेरा बलमा झल्ला बल्ला, मेरा झल्ला बल्ला बल्ला हमारी 50 की ब्लाइंड। हमें तो लगा था 4-10 से शुरू होगी। 10-20 की चाल तो गली कूचे के छोटे मोटे जुआरी खेलते हैं जनाब। तिगारे जी 10-20 रुपए नहीं 10-20 हजार की बात कर रहे हैं। अब एक हफ्ते तक अपनी ये जुल्फों वाली शक्ल मुझे मत दिखाइएगा। जो ससुर टोपी वालों कौन बैठेगा? ये नौजवान हमारे लिए पत्ते लगाता है। क्या हुआ? घर वाल छोड़ के नहीं जाना क्या? मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि आपके साथ साथ फेरे लेकर आई हूं मैं यहां। इसलिए ये मेरा भी घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मानो या ना मानो, सच तो यही है कि मैं इस घर की बहू हूं। इसलिए पूरी जान लगा दूंगी एक आदर्श बहू बनने में, लेकिन हार कभी नहीं मानूंगी।